ये है एसईओ कोर्स की दूसरा एपिसोड जिसमें मैं बात करूंगा कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप सर्च टर्म ढूंढते हैं जो कि बहुत यूजर्स द्वारा ढूंढी जा रही है सर्च इंजन्स पे, गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन्स पे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि रेवलेंसी। अगर आप कोई कीवर्ड ढूंढ रहे हैं तो आप उस कीवर्ड का आपके वेबसाइट पेज से रेवलेंट होना बहुत ही जरूरी है। कि एक वेबसाइट है जो कि कॉफी मेकिंग इक्विपमेंट सेल करती है, तो कीवर्ड कुछ इस प्रकार के होंगे, बजट फ्रेंडली कॉफी मेकिंग मशीन्स, जो कि रेवलेंट होगी पेज से। दूसरी बड़ी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है कीवर्ड इंटेंट। आखिर उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। अगर आप ये चीज समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी कीवर्ड रिसर्च करने में। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि क्या कीवर्ड पर कुछ मंथली सर्चेस किए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप ऐसे कीवर्ड चुन लें जिसपे कि कोई सर्चेस जिस पे कोई यूजर सर्च ही ना कर रहा हो, और इससे ना इससे आपको कोई अगर आप रैंक भी कर जाते हैं किसी कीवर्ड पे तो ट्रैफिक जीरो ही होगा। चौथी बड़ी चीज है कि कंपटीशन ऑफ डिफिकल्टी। अगर आप एक ऐसे कीवर्ड ढूंढ लेते जिनमें बहुत सारा कंपटीशन है तो बहुत चांसेस होंगे कि आप उस पर रैंक करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन और डिफिकल्टी देखना बहुत जरूरी है। मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, अभी मैं इसे इन्हें एक एक करके आपको समझाता हूँ क्या कि इनका मतलब क्या है। चलिए अब कीवर्ड इंटेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं जगुआर एक वाइल्ड एनिमल है और साथ ही साथ एक वेल नोन कार ब्रांड भी है। अगर मैं जगुआर के पीछे कार्स लगा देता हूँ या फिर जगुआर के पीछे एक एनिमल लिख देता हूँ तो काफी हद तक इंटेंट क्लियर हो जाएगा कि हाँ आखिर यूजर सर्च क्या कर रहा है, यूजर एक कार सर्च कर रहा है या यूजर एक एनिमल सर्च कर रहा है। तो अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल जो कि जगुआर के ऊपर, तो आपको आपके कीवर्ड कुछ इस प्रकार के होंगे, जगुआर एनिमल या जगुआर बिग कैट। अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं जो कि फोकस है जगुआर कार के लेकर, तो आप जगुआर कार्स या लग्जरी जगुआर कार्स ऐसे ऐसे कीवर्ड चुनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कीवर्ड इंटेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और कीवर्ड इंटेंट के ऊपर लेकर। इसमें है इंफॉर्मेशनल। इसमें यूजर कुछ ना कुछ अपने एक सवाल ढूंढ रहा होता है, और इसमें ज्यादातर कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि सवाल के बेस पे होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हाउ टू फिक्स कॉफी मशीन, हाउ टू बाय अ कॉफी मशीन। इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ एक यूजर जो है एक सवाल पूछ रहा है और आप जो है इस जैसे कीवर्ड्स को चुनकर अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है कमर्शियल। इसमें यूजर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करता है और उसका पर्पस कुछ ना कुछ पहले प्रिपेयर करना होता है ट्रांजैक्शन करने से पहले पहले या बाय सेल करने से पहले पहले। जैसे कि बेस्ट कॉफी मशीन, टॉप कॉफी इक्विपमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले में तो कुछ ना कुछ यूजर कॉफी मशीन ढूंढ रहा है जो कि बेस्ट है, और दूसरे में टॉप कॉफी इक्विपमेंट्स। तीसरा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इसमें यूजर जो है एक एक्शन कंप्लीट करने वाला है, वो शायद से कुछ या चीज बाय करेगा। इसके एग्जांपल कुछ ऐसे हो सकते हैं बाय कॉफी मशीन। इसमें आप देख सकते हैं इंटेंट पूरा क्लियर है कि यूजर जो है एक कॉफी मशीन खरीदना चाहता है ऑनलाइन। तीसरा है नेविगेशनल। इसमें जो है स्पेसिफिक होता है यूजर कोई ना कोई एक वेबसाइट या कोई ना कोई पेज ढूंढ रहा होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि फेसबुक की विकीपीडिया। तो यहाँ पर जो है चार तरह के कीवर्ड इंटेंट है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है कीवर्ड रिसर्च करने से पहले पहले। आगे बढ़ते हैं और इसमें है कीवर्ड वॉल्यूम और कंपटीशन, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। तो जैसे ऐसे अगर आप कुछ गूगल पे लिखते हैं शूज, तो शूज पर जो है हाई वॉल्यूम रहेगा बट कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा रहेगा। अगर आप इसमें थोड़े से एक वर्ड और जोड़ते हैं नाइकी शूज, तो हाँ इसमें जो है कीवर्ड थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा पर हाँ कंपटीशन और कम होगा। अगर आप इसमें दो वर्ड और जोड़ते हैं नाइकी शूज फॉर मैन, तो इसमें जो है थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा पर वॉल्यूम सच वॉल्यूम भी कम होगा। और जैसे भी आप इसमें आप चार देख सकते हैं वर्ड चीप नाइकी शूज फॉर मैन, इसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड कंपटीशन कम होगा और सर्च वॉल्यूम भी कम होगा। तो कीवर्ड ढूंढते समय
आपको जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है। हाँ, फिलहाल सर्च वॉल्यूम भी कम होता है, बट इस पे आप जल्दी से जल्दी कीवर्ड जो है रैंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर आप देखोगे, इसमें भी एक इंटेंट की जो है गेम चल रही है। जैसे कि आप देखोगे शूज लिखा है, तो इसमें जो है क्लियर नहीं है कि शूज किस लिए हैं, मैन के लिए है, वुमेन के लिए है। और इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें पर्टिकुलर एक ब्रांड का नाम आ जाता है नाइकी शूज। यूजर जो है नाइकी के शूज ढूंढ रहा है, और इसमें आप अगर देखते हैं नाइकी शूज फॉर मैन है, तो हाँ इसमें भी थोड़ी सी इंटेंट आ जाता है कि वो यूजर जो है नाइकी के शूज खरीद रहा है मर्दों के लिए। और इसमें अगर आप इसमें तो पूरा ही इंटेंट क्लियर है कि वो एक सस्ते जूते ढूंढ रहा है मर्दों के लिए नाइकी के। तो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझा दिया है, और साथ ही साथ कीवर्ड वॉल्यूम और कंपटीशन। जैसे जैसे वर्ड्स आपके कीवर्ड में जुड़ेंगे, वो 4 या 5 वर्ड्स का होगा, वैसे वैसे उसमें कंपटीशन कम होगा, पर हाँ उसे रैंक करना भी आसान होगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही चुने अपनी कीवर्ड रिसर्च करते समय। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको कुछ टूल्स जरूरी चाहिए होंगे, तो इसमें है कीवर्ड प्लानर। ये बिल्कुल फ्री है, गूगल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो आपको वॉल्यूम पर मंथ देखने को मिल सकता है। कीवर्ड प्लानर ज़्यादातर पेड कैंपेन्स चलाने के लिए यूज़ होता है, बट ये फिलहाल एसईओ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है गूगल बिंग ऑटो सजेस्ट। इसमें जो है कभी अगर आप गूगल पे जाएं और कुछ नाइकी शूज लिखें, तो ये आपको कुछ ऑटो सजेस्ट करने लग जाता है। ऐसा ही बिंग में भी होता है। इसका मतलब होता है कि यूजर ज्यादातर इन चीजों को सर्च कर रहे हैं, तो आप इन्हें अपनी जो है कीवर्ड रिसर्च करते समय यूज कर रहे हैं इस टेक्निक को। दूसरी वेबसाइट्स हैं ऑल्सो आस्क्ड और आंसर द सॉक्रेट्स। तो ये क्वेश्चन कीवर्ड्स ढूंढने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तीसरा है कीवर्ड शीटर। ये आपको जो है बल्क में कीवर्ड प्रोवाइड कराता है रेवलेंट कीवर्ड्स से। तीसरा है एचरफ्स और एससीएम रश। ये पेड टूल्स हैं और सर्च वॉल्यूम, कंपटीटर और कीवर्ड्स, कीवर्ड डिफिकल्टी शो कर देते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी कम होगी, उतना ही उसे कीवर्ड को रैंक करना आसान होगा, और जितनी ही कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, उसे उतना ही कीवर्ड रैंक करना मुश्किल हो। तो पेड टूल्स पेड तो हैं, पर हाँ बहुत काफ़ी हद तक एस्टिमेट बता देते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में। तो कीवर्ड प्लानर पे आपको जाना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है अपने कीवर्ड लिखना है। मैंने जैसे लिखा है नाइकी शूज, यहाँ जाके लोकेशन चेंज करनी है। आप कोई भी की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी आपको लगता है कि आप जिस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, और सेव दबाना है और गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये आपको जो है एक बहुत सारी कीवर्ड की लिस्ट देगा, जिसमें कि कीवर्ड बाय रेवलेंस हो गए। अगर आप इसे करते हैं तो कीवर्ड रेवलेंस के थ्रू सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा है एवरेज सर्च मंथ, जो कि आपको ये दिखाएगा कि आखिर कितने यूजर्स इसे सर्च कर रहे हैं। दूसरा है आंसर द सो ट्रेड्स। यहाँ जाना है आपको, नाइकी शूज लिखना है और अपना कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं इसे जापान कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। ये आपको बहुत सारे कीवर्ड शो करेगा जो कि क्वेश्चन बेस्ड होंगे। इन्हें आप ब्लॉग आर्टिकल्स जब भी लिखते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट ये आपके सामने आ गई है। तीसरा है कीवर्ड शीटर। यहाँ पर जाना है आपको, नाइकी शूज़ लिखना है, स्टेट कंट्री सेलेक्ट करनी है, थोड़ा सा इंग्लिश या फिर जो से भी चीज़ कर रहे हैं एडवांस में जाकर चेंज कर सकते हैं, और स्टार्ट पे क्लिक करना है। आपको बल्क में कीवर्ड्स प्रोवाइड कर सकता है। इससे जो है आप कीवर्ड क्लस्टर बना सकते हैं और अपने कंटेंट में इन सब कीवर्ड्स को रेलेवेंट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको कीवर्ड्स ढूंढने के कुछ तरीके बता दिए हैं गए हैं। अब मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल वे में। तो ये मेरा एक ब्लॉग आर्टिकल है जिसपे कि मैंने एक पहले कीवर्ड चूज किया जो कि है चेयर लीडिंग मूव्स के बारे में। मैंने एक और कीवर्ड दिया बेसिक चेयर लीडिंग मूव्स के बारे में। ये दोनों मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं, और मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखवाया इन्फॉर्मेटिव है जो। उसके बाद मैंने टाइटल टैग में इसे यूज़ किया, H1 में यूज़ किया, और अपने एक पहले पैराग्राफ में इस कीवर्ड को यूज़ किया। इसके लिए मैंने जो है ऑटो सजेशन की हेल्प ली, और
और ऑटो सजेशन से मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स, मिलते जुलते कीवर्ड्स को है निकाला। जैसे कि आप यहाँ डालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं। मैं इसके जो है एक स्पेस बार दबाऊंगा इसके पीछे आकर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लिस्ट आ गई है। इसके बाद मैं फर्स्ट चेयर लीडिंग के सी पे जाऊंगा, स्पेस बार दबाऊंगा और कर्सर को थोड़ा आगे तरफ मूव करूंगा, यहाँ से भी मुझे और कीवर्ड्स जो है लिस्ट दिखानी शो हो जाएगा। इसके बाद मैं इनमें से कुछ कीवर्ड, मिलते जुलते कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा, कीवर्ड प्लानर पे जाऊंगा और इनके मंथली सर्चेस भी चेक करूंगा साथ साथ। इसके बाद मैं SEMrush में जाऊंगा, ये मेरे पास जो है प्लान फ्री वर्जन है, तो इसमें जो है 3 बार आप दिन में, एक दिन में 3 बार इसके जरिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा, आप इसे पेड भी खरीद सकते हैं। और इन तीन चीज करने के बाद आपको जो है एक ऐसा सा डाटा मिलेगा, आप मिलते जुलते कीवर्ड्स को जो है रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 कीवर्ड फाइनलाइज किए हैं, जो कि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। इन इन सब चीजों को कीवर्ड क्लस्टर भी कहा जाता है, जो कि एक SEO का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जो कि मैं आने वाली सीरीज में कवर करूंगा। आशा करता हूँ कि मैं आप सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिया होंगे इस वीडियो में। इतना ही, आशा करता हूँ आपकी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।